बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास टेंथ जनरल मैथ, यूनिट नंबर 1 ही है आपका, लेक्चर 8 और एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की थी लेक्चर नंबर 7 में, और लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके अंदर रेडिकल फॉर्म ऑफ नंबर आ जाए, चाहे वो फर्स्ट वन टर्म हो या बाइनोमियल टर्म्स हो या आपके फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर हो या डिनोमिनेटर हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर डिनोमिनेटर में आपके रेडिकल फॉर्म आएगी तो आपने उसे रिमूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने उसको वैसे सिंप्लीफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज, आपके पास अगर गौर से देखें तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, आपके पास 1/√3 प्लस 2, यानी डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड्स है, और बाइनोमियल को सर्ड्स को मैंने आपको बताया था कि रिमूव करने के लिए, इसलिए ये जो रेडिकल का 3 है इसे रिमूव करने के लिए हमें कंजुगेट बाइनोमियल सर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, और उसको और इस प्रोसेस को बोला जाता है रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रैशनलाइज्ड, दैट मींस कि आप डिनोमिनेटर के बाइनोमियल सर्ड्स को उसके कंजुगेट से सॉल्व करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1/√3 प्लस 2 था, अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, आपने सेम वेरिएबल्स लेने हैं, बस चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपने उसके नेगेटिव के साइन, वैल्यूज वही सेम, पावर्स वही सेम, बस आपने इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ठीक। और अगर आपको याद होगा तो साइज 1.1 में मैंने आपको एक फॉर्मूला यूज करवाया था, वो था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पे यही पड़ा, मतलब है कि आपके पास अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव वैल्यू से और नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप उनके स्क्वायर्स ले रहे हैं विद नेगेटिव साइन, तो यही हमने काम करना है। आपके न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुए, सेम वेरिएबल विद सेम पावर लेकिन प्लस और माइनस में, तो अगर वो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हुआ और आपके न्यूमिनेटर क्योंकि 1 वैल्यू थी तो एज इट इज आई। अब यहाँ पर क्योंकि अंडर सॉर्ट ऑफ 2 और 1/√2 के बराबर होता है और वो और उसके आपस में एक दूसरे के साथ कट हो गए, और माइनस 2 की बराबर स्क्वायर तो वो 3 - 4, अभी मैं माइनस किया तो -1 आंसर आया। अब इस -1 को हमने इस वाले न्यूमिनेटर में एडजस्ट करने के लिए मैंने उसे -1 ले आई, माइनस को √3 से और +2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव होगी, तो मैंने उसे अरेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप उसे कर सकेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है, पर ये है कि वहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव है, आपने उसे सेम वेरिएबल में सेम पावर्स के साथ पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो आप कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फर्क है कि आपकी वैल्यू ये है कि बस यहाँ पर आपके पास और न्यूमिनेटर में भी कुछ वैल्यू पाई जा रही है जो कि 4/√3, और डिनोमिनेटर वही है, 2 बाइनोमियल्स की वैल्यूज है, √7 प्लस √5, प्लस का साइन है, हमने इसे सेम √7 माइनस √5 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाली न्यूमिनेटर की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हुई 4/√3 और ब्रैकेट में √7 माइनस √5, और यहाँ पे क्योंकि √7 और √7 उसका होल स्क्वायर, नेगेटिव का साइन, √5 और √5 का होल स्क्वायर। अब ये रेडिकल पावर जो है वो 2 से कट हो जाएगी तो 7 - 5 रह जाएगा, न्यूमिनेटर एज इट इज है। अब यहाँ पे इसे माइनस करेंगे तो 2 की वैल्यू आएगी, 2 की वैल्यू और 4 की वैल्यू मैंने आपस में कट कर दी, और डिनोमिनेटर में आपके सिर्फ 1 रह गया जिसे हम नहीं लिख रहे नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे 2/√3 रेडिकल 7 - रेडिकल 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर फोर में उन्होंने आपके पास नंबर्स की बजाय वेरिएबल दे दिए हैं, अंडर रूट एक्स माइनस रेडिकल सेवन रेडिकल वाई, और डिनोमिनेटर में रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल वाई। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल है, यहाँ पे प्लस माइनस के साथ है, यहाँ पे प्लस के साथ है, लेकिन आपने क्योंकि डिनोमिनेटर पे काम कर रहे हैं तो आपने डिनोमिनेटर के हिसाब से नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड किया है। अब आपकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को वो से देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मैंने उन्हें होल स्केल में ले लिया, दैट मीन्स कि ये वन और ये वन टू हो गए, और ये क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन के साथ था तो रेडिकल एक्स और होल स्केयर माइनस रेडिकल वाई होल स्केयर, ये आपस में कट गए, एक्स माइनस वाई लग गया। अगर आप और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है एक्स माइनस वाई होल स्केयर का, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अंडर रूट के साथ थी तो उसका होल स्केयर, वाई की वैल्यू अंडर रूट के साथ थी उसका होल स्केयर, लेकिन ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि स्केयर आना है, और नेगेटिव टू फॉर्मूले का ए और बी की वैल्यू यानी अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई। अभी इसी तरह जैसे डिनोमिनेटर में आपके अंडर रूट और स्केयर एक दूसरे का साथ रिमूव हुए थे तो एक्स प्लस वाई, और ये क्योंकि सेम रेडिकल फॉर्म में है तो टू रेडिकल एक्स वाई कॉमन कर दिया और एक्स माइनस वाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, रेडिकल सेवन बाय टू प्लस थ्री रेडिकल सेवन। अब आपने इसी के साथ उसके टू माइनस थ्री रेडिकल सेवन से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया, ये प्लस था नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पे वैल्यू न्यूमिनेटर की निकली है, डिनोमिनेटर में थे तो टू का स्क्वायर माइनस थ्री अंडर रूट सेवन का स्क्वायर, टू का जब स्क्वायर लिया तो फोर, अब थ्री क्योंकि बाहर था तो थ्री का स्क्वायर आएगा तो नाइन, और सेवन क्योंकि अंडर रेडिकल फॉर्म में था तो वो एज इट इज सेवन के साथ आया, ठीक है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं थी, लेकिन चेंजिंग नेक्स्ट स्टेप में होगी वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेडिकल का जो पावर है नंबर है वो सेवन है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल आपके सेम जा रहे हैं, रेडिकल सेवन रेडिकल सेवन, तो दैट्स व्हाई मैं इस में इसे मल्टीप्लाई करने लगी उस टाइम में, और फाइव और टू को मल्टीप्लाई किया रेडिकल सेवन, और फाइव और थ्री को मल्टीप्लाई किया और रेडिकल सेवन और रेडिकल सेवन है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टेन रेडिकल सेवन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन, सेवन और सेवन सेवन का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्योंकि नाइन और सेवन को मल्टीप्लाई किया तो सिक्सटी थ्री आया था, माइनस किया तो नेगेटिव फिफ्टी नाइन आ गया। अब ये नेगेटिव के साइन को मैं एडजस्ट करने के लिए ओपन ले आई हूँ, आपकी ये वैल्यू एडिटिव लिखी भी है लेकिन यहाँ पे सेवन का स्क्वायर और रेडिकल साइन रूट एक दूसरे के साथ कट होने के बाद सेवन एज इट इज पावर वन के साथ आ गया, सेवन और फिफ्टीन को भी मल्टीप्लाई किया हुआ है जो कि यहाँ पर है 105, और इस स्टेप में मैंने इस नेगेटिव को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव हो गई, ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव थी तो दोनों नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो गई, और फिर क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने पॉजिटिव की वैल्यू फर्स्ट में लिख लिया है 105 माइनस 10 रेडिकल 7 और बाय 59, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट आपके पास फ्रैक्शन में वो से देखें तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, यानी सेम आपके पास वेरिएबल है, ऊपर पर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपने हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, लेकिन वहां पे वेरिएबल थे एक्स और वाई, यहाँ पे 3 और 2 है, तो आपके पास डिनोमिनेटर भी क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिया, अब ये आपस में खत्म हो गए तो 3 माइनस 2 यानी उनके जब पावर 3 1 1 हुई थी तो 3 माइनस 2 1 आंसर आपका डिनोमिनेटर में खत्म हो गया। अब न्यूमिनेटर में क्योंकि आपके होल स्क्वायर आ गया था
तो ये वाली वैल्यू विद पॉजिटिव स्क्वायर के साथ, ये वाली वैल्यू विद स्क्वायर के साथ और टू, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो फॉर्मूला यानी आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई किया। इसका भी रेडिकल रिमूव हो गया, इसका भी रेडिकल रिमूव हो गया, और ये क्योंकि अंडर रूट में थे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब थ्री और टू भी आपस में प्लस हो गए, तो आंसर जो आपका आ गया वो फाइव प्लस टू रेडिकल सिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है, यहाँ पर आपके पास 29 बाय 11 प्लस 3 रेडिकल 5, आपने 11 माइनस 3 रेडिकल 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। न्यूमिनेटर एज इट इज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में 11 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 3 क्योंकि रेडिकल से बाहर था तो इसका स्क्वायर होना था वो 9, लेकिन ये क्योंकि रेडिकल फॉर्म में था तो ये एक दूसरे के साथ कट होने के बाद 5 आ गया। और नेक्स्ट टाइम में 129 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 45, और 121 पे से 45 को माइनस किया तो 76, और न्यूमिनेटर आपके एडिटिव जा रहे थे तो मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 18 और सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, 17 और बाय 3 अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 3, आपने सेम वैल्यू को क्योंकि पॉजिटिव में है तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड किया हुआ है। न्यूमिनेटर तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल 7 माइनस 2 रेडिकल 3, जबकि आपके डिनोमिनेटर में 3 रेडिकल 7 का स्क्वायर माइनस 2 रेडिकल 3 का स्क्वायर। अब आपने 3 क्योंकि बाहर था तो 3 का स्क्वायर 9, 7 एज इट इज आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 क्योंकि रेडिकल में था तो 3 एज इट इज आएगा। अब 9 और 7 को मल्टीप्लाई किया 63, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12, और इन दोनों को जब माइनस किया तो 51, क्योंकि न्यूमिनेटर एज इट इज जा रहा था तो एक्सप्लेन नहीं किया। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो 17 और 51 एक ही टेबल पे आते हैं तो वो उनकी कटिंग हो जाएगी, और उनकी कटिंग हो गई 71 का 17 और 73 का 51, और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर लिखा हुआ 3 रेडिकल 7 माइनस 2 रेडिकल 3 बाय 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 4 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आपके जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारों का पैटर्न चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 5 प्लस 2, और आपने फाइंड इसमें करना है x प्लस 1 बाय x जिसका फर्स्ट पार्ट है, और इसके सेकंड पार्ट में आपने उसको फाइंड करना होगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर। तो हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, 1 बाय x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। हमने लेट किया 1 बाय x, 1 बाय x का मतलब है कि x की वैल्यू अगर ये है तो ये वाली वैल्यू को 1 बाय अंडर रूट 5 प्लस 2 कर दिया। अब जो कि 1 बाय x करने की वजह से आपका डिनोमिनेटर में आपके पास रेडिकल साइन आ गया, तो रेडिकल साइन जो हम इतने क्वेश्चन नंबर 3 में करते आ रहे हैं वो करेंगे, या फिर प्लस का साइन है तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, रेडिकल 5 माइनस 2 रेडिकल 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब यहाँ पे 1 था, न्यूमिनेटर एज इट इज आ गया, डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू थी रेडिकल साइन ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। रेडिकल साइन टू 5 का जो स्क्वायर था वो रेडिकल साइन ऑफ स्क्वायर एक दूसरे से फिर वैनिश हो गए, और 2 का स्क्वायर लिया था 4। अब 5 माइनस 4 1 होता है तो हमने डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा, तो आपके पास ये जो 1 बाय x की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 5 माइनस 2 आ गया। अब क्योंकि हमने ये मालूम करना था x और प्लस 1 बाय x, x की वैल्यू आपके पास गिवन थी वो लिख दी, 1 बाय x जो हमने फाइंड किया था वो हमने लिख दिया। अब जब हमने ब्रैकेट रिमूव की तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दैट मींस कि पॉजिटिव 2 और माइनस 2 एक दूसरे से कट हो गए, तो ये क्योंकि यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था तो 2 टाइम्स अंडर रूट 5 होगा। ये नहीं होगा कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई या दोनों को प्लस करते, नहीं होगा, ये अंडर रूट जो 5 है ये 2 टाइम्स है, एक दफा यहाँ पर एक दफा यहाँ पर
तो इस तरह लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टू का फोर का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने इसी का स्केयर लेना है। ये जो हमने आंसर लिया था क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट में, हमने उसे दोबारा ले लिया x प्लस एक्स वन एक्स इज इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ 5, यानी जो इसका आंसर था वो लिया। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, हमने इस साइड पर भी स्केयर लिया और इस साइड पर भी स्केयर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और वन बाय एक्स, और यहाँ पे जब स्केयर लिया तो टू का स्केयर फोर और अंडर रूट फाइव जो था वो फाइव की पावर वन पे चला गया। अब क्योंकि ये एक्स और ये वन बाय एक्स एक दूसरे से कट हो गए तो यहाँ पे सिर्फ टू रह गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 20। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस टू को, क्योंकि हमने इसे ये फाइंड करना है, ये टू की वैल्यू एक्स्ट्रा थी, इस टू की वैल्यू को मैंने राइट साइड पर लेके 20 में माइनस किया तो 18। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का आंसर जो है वो है 18। क्वेश्चन नंबर फोर आपका कंप्लीट हुआ और आपका ये जो लेक्चर में आज मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर की जितने भी सवाल करवाए हैं वो आपने सब अपनी नीट कॉपी पे लिखने के बाद अपने रफ रजिस्टर पे 3 times प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये आ गए तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इवन कि आप ये भी हो सकता है कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फोर की तरह है। आपने x की वैल्यू ली 2 प्लस अंडर रूट 3, आपने इसे क्योंकि सॉल्व करना है x माइनस 1 बाय x, तो 1 बाय x मालूम करने के लिए हमने उसे 1 बाय x ले लिया और उसे पहले सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रही है तो हमने उसे 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 ले लिया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन आ गया और आपको मालूम होगा आपके डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन को हमने रिमूव करना है, तो हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस अंडर रूट 3 से भी और उसी से डिवाइड कर दिया। न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर में 2 का स्केयर माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर आ गया, 2 2 4 और रेडिकल साइन रिमूव हुआ 2 के साथ स्केयर की वजह से, तो 4 माइनस 3 1 और आपके पास 1 बाय x की वैल्यू आ गई 2 माइनस अंडर रूट 3। अब आप देखिए मैं फाइंड करना था x माइनस 1 बाय x, तो x की वैल्यू और माइनस करके 1 बाय x की वैल्यू लिखी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था तो जब हमने माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट्स रिमूव की तो ये पॉजिटिव 2 माइनस हो गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और हमारे पास ये वैल्यू 2 की वैल्यूज कट गई। अब आपको नजर आ रहा होगा कि 2 की वैल्यूज मैंने कट कर दी और अंडर रूट 3 क्योंकि 2 टाइम्स था तो उसको प्लस कर दिया, तो अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 आ गया। अब मैंने इसे यहीं से कैरी कर दिया, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, मैंने जिसे मेंशन कर दिया है। अब सेकंड पार्ट को इधर से कंटिन्यू करते हुए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मैंने इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, यहां भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू और 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12, ये दोनों आपस में कट होंगे x और x। ये देखिए आपको नजर आ रहे होंगे कि अब मैंने x और x वर्क कर दिया और यहाँ पे रहेगी सी 2 की वैल्यू, क्योंकि 2 यहाँ पे नेगेटिव था और हमें सिर्फ ये वाली वैल्यूज चाहिए, इसका आंसर चाहिए, तो हम इस 2 को राइट साइड पे ले गए और राइट साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो गया और 14 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है और 7 भी बहुत इजी है, उसमें आपने सिर्फ एक टाइम माइनस करना होगा और एक टाइम प्लस करना होगा, वो आप बहुत आसानी से बहुत इजीली खुद कर सकेंगे। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 8 किया, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसा है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस थी, वो ये कि उन्होंने आपको 1 बाय पी दिया है, यहाँ पे आपको x दिया था, हमने 1 बाय x लिया और आपको उन्होंने 1 बाय पी दिया है और हमें सॉल्व करने के लिए पी फाइंड करना है। तो आपको मालूम होगा कि अगर ये डिनोमिनेटर में है और अगर हम इसे 1 बाय मजीद डिनोमिनेटर करेंगे तो अगर ये अगर क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, ये मैंने अभी की क्लियरिफिकेशन के लिए लिखा है कि 1 बाय 3 यानी एक का आपकी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है
तो वो फ्रैक्शन अपने रेसिप्रोकल में चली जाती है, तो पी बाय वन होना था और पी, तो इसलिए मैंने इसे पी के इक्वल कंसिडर किया और वन बाय पी लिया। और वन बाई पी की वैल्यू क्योंकि ये थी, तो जब हमने उसे इस फॉर्म में लिखा तो वन रूट टेन प्लस थ्री पी के बराबर होगा। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके रेडिकल साइन आ गया तो आपने इसे रिमूव करना होगा, तो ये प्लस था, अंडर रूट टेन माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट टेन माइनस थ्री से डिवाइड किया। न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में रेडिकल टेन का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, इसका रेडिकल साइन रिमूव हुआ तो टेन माइनस और थ्री का स्क्वायर नाइन है, तो टेन माइनस नाइन वन होता है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू वन आ गई जिसे हमने नहीं लिखा। और आपका पी की वैल्यू जो है वो अंडर रूट टेन माइनस थ्री है। अब हमने इसे प्लस करना है तो अंडर रूट टेन प्लस थ्री पी की वैल्यू जो कि हमने फाइंड की थी वो पहले लिखी और वन बाय पी की वैल्यू बाद में लिखी, और यहाँ पर आपके टेन और टेन आपस में प्लस हो रहे हैं और थ्री एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उसे हम कट करेंगे। और ये आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने थ्री और थ्री को कट कर दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन आगे ही ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है और उधर से इसे कैरी ऑन करते हुए मैंने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लिया, आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया तो पॉजिटिव का स्क्वायर लिया p प्लस वन बाय पी का स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर लिया, टू का स्क्वायर फोर और रेडिकल साइन हुआ स्क्वायर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पी प्लस वन बाय पी का होल स्क्वायर का आंसर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने पी माइनस वन बाय पी ले लिया सबसे पहले, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव का साइन माना था ब्रैकेट के बाहर तो इसलिए मैंने ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है अंडर रूट टेन प्लस थ्री और माइनस के साइन की वजह से अंडर रूट टेन माइनस हुआ और थ्री और थ्री प्लस हुआ, और यहाँ पे क्योंकि टेन की वैल्यूज के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन है तो वो कट हो गए। और यह अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने इन दोनों को कट कर दिया और थ्री रह गया, थ्री और थ्री को प्लस किया तो सिक्स। अब इसका भी स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, पी माइनस वन बाय पी का स्केयर और सिक्स का स्केयर, तो इसका स्केयर का आंसर 36 है। और ये आपका सेकंड पार्ट है और ये आपका फर्स्ट पार्ट था और क्वेश्चन नंबर एट मैंने यहाँ पर अभी सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर नाइन जो कि 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है और उसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है आप उसका बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाय बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके नेगेटिव का साइन है तो इसलिए हमने पॉजिटिव वाली से इनके साथ मल्टीप्लाई किया जो कि बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब आप न्यूमिनेटर को वो से देखिए जो सेम वैल्यू थी तो उनका होल स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर में वैल्यू में नेगेटिव हुआ पॉजिटिव था तो अलग अलग स्क्वायर हुआ, बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट हो गए और बी का स्क्वायर हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगली लाइन में मैंने इसे ब्रैकेट्स रिमूव किया तो ये नेगेटिव अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे से कट गए, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ लेकिन ऊपर पहले स्टेप को देख लेते हैं क्योंकि ये होल स्क्वायर था तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और फिर प्लस टू ए और बी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू इसका स्क्वायर, इनका जब स्क्वायर हुआ तो ये अंडर रूट खत्म हुआ तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह गया और ये है वैल्यू। अब ये दोनों क्योंकि सेम थी ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट्स थी तो ये कट हो जाएंगे। ये बात को शो हो गया होगा कि मैंने बी और बी को कटिंग कर दी और नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर रह गया जो कि यहाँ भी है और बी और बी क्योंकि ऊपर वाले सेम साइन थे तो वो दोनों आपस में प्लस हो गए और यानी और टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ और ये सेकंड पार्ट है जिसमें आपके पास ए प्लस थ्री माइनस ए माइनस थ्री और इसी तरह सेम आपका डिनोमिनेटर है बस साइन आपका प्लस में है। अब क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर पे प्लस का साइन है तो हमने इसे माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और जब आप माइनस वाले इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, उनका हो जाएगा होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ हैं, तो इसलिए इनके लैदा लैदा स्क्वायर हो गए। अब न्यूमिनेटर में है इसका स्क्वायर और फिर 2ab माइनस फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई किया और साथ में 2 मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में क्योंकि इसका होल स्क्वायर था और अंडर रूट खत्म हुआ, इसका होल स्क्वायर था और अंडर रूट खत्म हुआ, तो ये आपकी अभी फिलहाल मैंने ब्रैकेट पे लिखा क्योंकि इनके दरमियान में नेगेटिव का साइन था। यहाँ भी इसका होल खत्म हुआ, ए प्लस थ्री प्लस ए माइनस थ्री माइनस, और क्योंकि ये सेम वैल्यू थी एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो ए का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में ब्रैकेट हटा दी, ए प्लस थ्री माइनस, ए माइनस हो गया और थ्री पॉजिटिव हो गया। और अगर आप लोगों से देखे तो यहाँ पे थ्री और ये थ्री आपस में ऑपोजिट साइन के साथ है, और डिनोमिनेटर में ए और ये आपस में ऑपोजिट साइन के साथ है, इनकी आपस में कटिंग होगी। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ऊपर न्यूमिनेटर में थ्री और थ्री आपस में कट गए, डिनोमिनेटर में ए और ए, यहाँ पे ए और ए था दोनों प्लस हुए टू ए, यहाँ पे टू ए हो गया माइनस ये वाली वैल्यू, और मैंने यहाँ पे थ्री का स्केयर ले लिया जो कि नाइन है, ए स्केयर माइनस नाइन लिखा हुआ है, और आपके थ्री और थ्री प्लस हुआ सिक्स। अगर आप इन दोनों को कॉमन ले तो टू कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस नाइन और सिक्स डिनोमिनेटर में, इन दोनों की भी आपस में कटिंग हो सकती है वो हम कर लेते हैं। जब टू और सिक्स की कटिंग की तो आपके डिनोमिनेटर में थ्री आ गया और आपका फाइनल आंसर है a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस नाइन और थ्री। और क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन मैंने कहा था कि आपने खुद करने और बाकी सारे आपने एक्सरसाइज की जो कि 1.3 है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अच्छा हो जाए, अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और रिव्यू की एक्सरसाइज जो कि एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप खुद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।